वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा मेघालय के शिलोंग में, ऑप्शन ए सही होगा। तो ई गवर्नेंस 2019 पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 अगस्त 2019 को मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो है डिजिटल इंडिया, सफलता से उत्कृष्टता, ठीक है। और ये सम्मेलन नई सरकार में DRPG की 100 दिनों की पहल का एक हिस्सा है और ये पहली बार है जब देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मंत्री पद पर रह चुकी पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री, ऑप्शन बी सही होगा। तो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अगस्त 2019 में नई दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने पिछले 5 वर्ष में विदेश मंत्री के रूप में अथक परिश्रम किया। उन्होंने लोकसभा में अपने चौथे कार्यकाल की सेवा की और लंबे समय से पार्टी की सबसे प्रमुख महिला चेहरा थी। वो 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी जब वह 1977 में हरियाणा सरकार में शामिल हुई थी और वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल कल्चर के बिना बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने, ऑप्शन सी सही होगा। तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सेल कल्चर के बिना बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। जैव संगत सेंसर के साथ हाथ में पकड़े जाने वाला उपकरण मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का निदान कर सकता है। और टीम वर्क को जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जुलाई 2019 के अंक में पेटेंट और प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में 6ठा ATP क्राउन खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है निक क्रिगियोस, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगियोस ने ATP वॉशिंगटन ओपन खिताब जीता है। उन्होंने रूस की 10वें स्थान के खिलाड़ी डेनियल मेवदेव को हराया है। और 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ओपनिंग सेट में संघर्ष किया लेकिन अंत में US ओपन ट्यूनअप इवेंट में $36,590 की शीर्ष पुरस्कार और अपने 6ठे कैरियर ATP क्राउन पर उन्होंने कब्जा किया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे 6ठा ATP क्राउन खिताब हाल ही में निक क्रिगियोस ने जीता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाता है और ये देश और ये जो दिन है वो देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है और भारत में हथकरघा उद्योग को भी उजागर करता है। भुवनेश्वर को हथकरघा की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए इस दिवस के समारोह स्थल के रूप में चुना गया है। और भुवनेश्वर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हथकरघा के योगदान पर ध्यान केंद्रित करता है और बुनकरों की जो आय है उसमें भी वृद्धि करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी में भारत द्वारा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? यानी कि जो UN फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी है उसमें भारत ने कितना योगदान दिया है? आंसर हो जाएगा 5 मिलियन, ऑप्शन बी सही होगा।
तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है और संगठन की कार्य के लिए निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का आह्वान भी दिया है। राशि को फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को सौंप दिया गया है और UNRWA 1950 से जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में 5 क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाओं के साथ साथ आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है। ठीक है, और UNWRA का जो मुख्यालय वो है अम्मान जार्डन में और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। IASMC का 5वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होएगा जैसलमेर, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत, चीन और रूस सहित 8 देशों की टीमों की 7 अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का दक्षिणी कमान के तत्वाधान में जैसलमेर सैन्य सेंटर में उद्घाटन किया गया और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल DS आहूजा और रूस के उप रक्षा मंत्री यूनिस वेव इनकोट ने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया और उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम के ध्वज को फहराया। मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, रूस, सूडान, उज्बेकिस्तान, भारत की सेना स्काउट मास्टर्स की टीमें 6 से 14 अगस्त 2019 तक इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, बात करें भारतीय सेना की वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो वह है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होएगा फियोना कोलबिंगर, ऑप्शन डी सही होगा। तो जर्मन कैंसर शोधकर्ता फियोना कोलबिंगर ने बुल्गारिया में बरगास में फ्रांस में ब्रेस्ट तक फ्रांस की ब्रेस्ट तक मिश्रित वार्षिक 4000 किलोमीटर यानी कि 2485 मील साइकिलिंग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेस जीती है और कोलबिंगर अपने पहले अल्ट्रा डिस्टेंस इवेंट में दुनिया की सबसे कठिन साइकिल रेस में जीतने वाली पहली महिला बनी है। इस चुनौती को पूरा करने उन्हें 10 दिन 2 घंटे और 48 मिनट लगे हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 40,000 मीटर की चढ़ाई भी शामिल थी। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस वर्ष की नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा 1993, ऑप्शन ए सही होगा। तो साहित्य में 1993 के नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का हाल ही में निधन हो गया है। वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी और वो कई उपन्यासों, बच्चों की पुस्तकों और निबंधों की लेखिका थी। उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन की रचना की थी जिसे 1977 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड मिला था और उनकी एक और ही ऐसी रचना बिलवर्ड को 1988 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त, ऑप्शन सी सही होगा। तो 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ मनाई गई है और ये भयानक घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम डाला था। युद्ध के इतिहास में पहली बार था जब देश किसी भी देश के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था और इस घटना ने लगभग 90% जो सिटी थी, शहर था, उसको मिटा दिया था। लगभग 80,000 लोगों को मार दिया गया था इस बम के माध्यम से। इतने वर्षों के बाद इस हमले के जो निशान है वो अब भी ताज़ा है। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में वर्ष 2019 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और बात करें आज की क्विज के सवाल की, तो आज की क्विज का सवाल है, कौन सा राज्य डिजिटल फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर केरल। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड करें या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीटीटी के लिए वीडियोस पोस्ट किया जा चुके हैं और भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।